गुजरात में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़े स्केल के ऊपर विस्तार हो रहा है। 27 साल के बीजेपी के शासन से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस तो उनको रिप्लेस कर नहीं सकती है। पिछली बार भी लोगों ने कांग्रेस पे भरोसा किया, कांग्रेस को खूब वोट दिया, लेकिन कांग्रेस के लोग छोड़ के चले गए। तो इसीलिए बीजेपी के अंदर बहुत अहंकार आ गया है। इस बार लोग बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अभी हम सीधे वहाँ जाएंगे। आज लगभग 7,500 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई जाएगी। इतने कम समय के अंदर इतने बड़े स्तर पे संगठन का विस्तार कोई मामूली बात नहीं है। तो जाहिर तौर पे लोग, आम लोग जो हैं गुजरात के, वो बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि अगली सरकार गुजरात के अंदर अमरावती के बाद उदयपुर जिस तरह से इंफ्लुएंस का प्रदेश में माहौल बनता जा रहा है, बहुत गलत है जो भी हो रहा है। इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश में शांति होनी चाहिए, सब लोग मिलजुल के रहें। और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की है मैंने, आज फिर से मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको ऐसी सज़ा दिलाई जाएगी कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर सकेगा इस तरह से करने का। खड़ा करने के लिए किसको जिम्मेदार है? हमें ये वो नहीं है कि फिंगर पॉइंटिंग करने से काम नहीं चलेगा। ज़रूरत है कि सभी सरकारों को मिलके और सभी लोगों को मिलके देश के माहौल को ठीक करने की ज़रूरत है। उसमें बिजली वाले में आपको बताएंगे। दिल्ली में बिजली फ्री में मिलती है, 24 घंटे मिलती है। तो अगर दिल्ली में हम दे सकते हैं तो गुजरात में भी हम दे सकते हैं। पंजाब में भी अभी बिजली फ्री हो गई, कल 1 तारीख से आपने सुना होगा। तो पंजाब के अंदर बिजली फ्री हो गई, दिल्ली के अंदर बिजली फ्री हो गई, तो लोगों को बिजली फ्री तो मिल सकते हैं। उनको कुछ नहीं मिला, उनको उनसे पूछिए। थैंक यू।